आप लोग संसार से बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे से सोच से, विचार से, रिश्तों से, किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं और उम्मीदें भी इतनी करने लगते हैं कि अब की बार उम्मीदें समय से नहीं करते कि मैं इतना करूँगा, ये करूँगा, मेहनत करूँगा, लक्ष्य बनाऊँगा, तैयारी करूँगा, कोशिश करूँगा रिजल्ट निकालने की, प्रयास करूँगा, नहीं। उम्मीदें केवल दूसरों के ऊपर करते हैं, नज़रें हम दूसरों के ऊपर टिका लेते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, बस देखना पड़ता है क्या हो रहा है। अगर वो आदमी फेल हो जाए तो आपकी उम्मीद टूट गई, उसका तो सब कुछ चला गया ना, आपका क्या गया, आप तो किसी और से उम्मीद कर लेंगे, तीसरे से उम्मीद कर लेंगे, चौथे से उम्मीद कर लेंगे, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी नहीं, लक्ष्य पर भी नहीं पहुंचना, तैयारी भी नहीं करनी, बस उम्मीद करनी है। आजकल ये उम्मीद का जो खेल है ना, बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, बस पेपर की सेटिंग के लिए लोग ढूंढते रहेंगे और उससे इतनी उम्मीद कर देंगे पैसे दे करके कि पैसे दिए कि बस मेरा तो काम हो गया, मैंने तो पैसे दे रखे हैं। अरे भाई पढ़ लेता, तैयारी कर लेता, वो फिर क्या होता है इसमें, इसमें उम्मीद से आगे बात होती है, दो कदम आगे कि उम्मीद तो होती है कि काम हो जाए, काम तो होना दूर की बात है, वो पैसे भी चले जाते हैं, ये और खतरनाक काम हो जाता है कि उम्मीद कितनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नई नौकरी मिलेगी, लेकिन इतनी उम्मीद तो नहीं होती कि पैसे भी चले जाएंगे, वो आपको बर्बाद भी करके चला गया, काम भी नहीं हुआ। इस प्रकार से बहुत आपके आसपास भी हो रहे हैं, आपके साथ भी हो रहे हैं। किसी गेम करने वाले को लीजिए, किसी सिंगर को लीजिए, किसी कलाकार को लीजिए, किसी भी फील्ड के अंदर ले लीजिए, जिस प्रकार से आजकल ये लोग सट्टा लगाने वाले हैं, इनको ले लीजिए, मैच के अंदर उम्मीद करते हैं हर बॉल के अंदर सिक्स लगाए, सिक्स लगाए, अगले से नंबर एक भी नहीं निकल रहा, सिक्स कैसे लगाएगा, एक नंबर तो बना नहीं पा रहा, सिक्स लगाए, अगर सिक्स नहीं लगाता तो गालियां देने लगते हैं, और गालियां कौन देता है जिन्होंने बैट को हाथ भी लगा करके नहीं देखा, जिनको ग्राउंड में जो सब बोला नहीं जाता, वो लोग भाषण करने वाले, प्रवचन करने वाले लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो जो ये उम्मीदें करने वाले लोग हैं ना, ये बस कमियां निकालना जानते हैं, हारना जानते हैं, धोखा खाना जानते हैं, इनको बस ये लगता है, जो अपने इमोशंस होते हैं ना, अपना मन होता है, जिस प्रकार से दंगल में दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, आधे लोग एक की तरफ हो जाएं, आधे लोग एक की तरफ हो जाएं, तो वो लोग सोचेंगे मेरे वाला जीतेगा, वो सोचेंगे मेरे वाला जीतेगा, न वो खुद जीत रहे न वो जीत रहे, जीतने वाले दो पहलवान हैं, एक एक हारेगा एक जीतेगा, दोनों में से एक ही जीतेगा, लेकिन आधे लोगों की तो उम्मीद वैसे ही टूटेगी, ये तो निश्चित है, इधर वालों की टूटे या इधर वालों की टूटे, उम्मीद तो रहनी ही नहीं, लेकिन उम्मीद समय से नहीं करते उनको देख करके कि जैसा ये कर रहे हैं वैसा मैं भी करूँगा, मेहनत के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और जुनून के साथ, ये नहीं होता। बस होता क्या है कि दूसरे के ऊपर अपनी निगाहें टिका ली, अपना मन बना लिया और बस चल गया काम, क्योंकि जान नहीं लगानी पड़ती ना, ताकत नहीं लगती और मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए लोग दूसरों के ऊपर ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं ना भाई, तो जोश भी, हौसला भी, होश भी और
सब कुछ दरा का दरा रह जाता है, आदमी एकदम टूट करके बिखर सा जाता है। उम्मीदें चाहे आप अपने बच्चों से लगाओ, चाहे पत्नी से लगाओ, रिश्ते नातेदारों से लगाओ, समाज से लगाओ, लोगों से लगाओ, पशु पक्षियों से लगाओ, प्रकृति से लगाओ, यहाँ तक कि परमात्मा से भी लगाओ। अगर आप परमात्मा से उम्मीद लगाओगे, इन चीज़ों से परमात्मा से उम्मीद लगाओगे, आपका काम नहीं पूरा हुआ, आप नास्तिक हो जाओगे। अगर आप इन चीज़ों से उम्मीद लगाओगे, अगर ये आपके अनुसार खरे नहीं उतर पाए, आप इनके फॉलोअर नहीं रहोगे, आपके ये मतलब कुछ काम के नहीं रहेंगे, ये आपको पागल लगने लगेंगे, बिना मेहनत करने वाले लगने लगेंगे, फिर आप किसी और से उम्मीद लगाओगे, फिर टूट जाए। पूरी उम्र इसी प्रकार से उम्मीद बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, टूटती रहेगी। इससे अच्छा है दूसरे के ऊपर उम्मीद लगाना, दूसरे के ऊपर आस करना आप बंद कर दीजिए और विचारों में परिवर्तन कीजिए। जब आप विचारों में परिवर्तन करेंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे, दूसरे से आशा कम करेंगे, खुद के ऊपर विश्वास करेंगे, अपना आत्मबल बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ लक्ष्य निर्धारित करेंगे, दिशा सही दिशा में चलेंगे, प्रयास करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तब तो कुछ हो सकता है। अगर ये नहीं हो पाया तो आप तो फेल हैं, आप ना आगे बढ़ सकते, न घर के न घाट के, न इधर के न उधर के, न कुछ मिलने वाला, न कुछ होने वाला, न कार्य होगा, न सफल होगे, बैठे बैठे देखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक करोगे नहीं, काम नहीं होगा। और आप सोचो कि मैं इससे उम्मीद करूँ ये हमारा काम कर दे, उससे उम्मीद करूँ वो हमारा काम कर दे, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको स्वयं को करना होगा। आपको अगर उम्मीद करनी है, खुद से कीजिए, अपने से कीजिए। जो अपने अंदर जोश और जज्बा है, जो आपके अंदर छुपा हुआ जो कलाकार है, जो आपकी दबी हुई जो डेवलप होना है उसको दबा दिया गया है, उसको उठाओ, उठाने का प्रयास करो, मेहनत करो, लगन के साथ आगे बढ़ो। और इधर उधर समाज से, इन चीज़ों से उम्मीद हटा करके समय से उम्मीद करो और प्रयास करो, रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा।